हेलो गाइस, दिस इज़ आवेस कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल क्वार्टरबैक गाइड एजुकेशन। हमें खुशी है कि आज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किए, लाइक किए हमारे वीडियोस को। मैंने एक अपना टॉपिक जॉइंट्स के वीडियो डाल दिया है और आज हम आपको मॉडल के जरिए ह्यूमन एंडोस्केलेटन रिप्रेजेंट करेंगे, समझाएंगे कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन में 206 बोन्स आती हैं। 206 बोन्स में पहले हम ये दो मेजर कंसिस्ट पार्ट से में डिवाइड होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में ये बोन फॉर्मिंग बॉडी फॉर्मिंग एक्सिस पे होती हैं, जो कि 80 बोन्स आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन आती हैं, जो अपेंडिकुलर पार्ट्स में होती हैं। तो हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे और उसमें से भी हम केवल स्कल के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्कल बाकी वीडियो हम अपलोड करेंगे, स्कल थोड़ा लंबा है, इसमें 28 बोन्स आती हैं, तो 28 बोन्स को हम काउंट कराएंगे और साथ ही साथ स्कल में कनेक्टेड हाइबॉइड बोन को दिखाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम को बाद में बात करेंगे, उसके बाद अदर्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम स्कल के 28 बोन्स विथ हाइबॉइड बोन को अपने प्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताएंगे। तो ये स्कल मॉडल है, जैसा कि आपके सामने स्कल मॉडल प्रेजेंट है। स्कल को डिवाइड करते हैं क्रैनियम में फेस में, ईयर में। जैसे कि ईयर के बोन्स जो है काउंट तो हो नहीं पाएंगे, ईयर्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिर भी ईयर्स के 6 बोन्स 3 इस तरफ और 3 इस तरफ हम काउंट करवा देंगे। ओके, तो ईयर्स के 6 बोन्स आप याद करिए, वो दोनों तरफ 3-3 बोन्स हैं, वो मॉडल में नहीं है। और 14 बोन्स फेस में है, वो हम आपको गिनाएंगे, और 8 बोन क्रैनियम में है, वो हम आपको गिनाएंगे। तो 14, 8, 22, 22 और 6, 28 बोन को हम गिनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, सबसे मॉडल में शुरुआत करते हैं 8 बोन क्रैनियम में। तो सबसे फ्रंट में जो आपका देख रहा है माथे के ऊपर, यहाँ होता है फ्रंटल बोन, जैसा कि अभी हम आपको शो कराएंगे। ये है फ्रंटल बोन, जो कि एकदम फ्रंट में ही होता है, एकदम मत्थे के पीछे ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन जो है अनपेयर्ड होती है, सिंगल होती है, तो पहला नंबर फ्रंटल बोन। उसके बाद दोनों साइड, फ्रंटल के दोनों साइड ये हैं पेराइटल बोन, जैसे कि ये पेराइटल फर्स्ट एंड इस साइड सेकेंड, तो ये पेराइटल बोन हो गई। और उसके बाद ये दो पेराइटल हो जाती हैं, तो ये 2, 1, 3 हो जाएगी। पेराइटल के बाद आप साइड में आ जाइए, साइड में यहाँ पे इसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन, तो 4 हो गया टेम्पोरल। ये टेम्पोरल भी 2 होगी, पेयर्ड हैं क्योंकि दोनों साइड है, तो पेराइटल और टेम्पोरल 2-2 होंगी, पेयर्ड हैं, 2-2, 4-1, 5 बोन हो गई। और उसके बाद पीछे साइड आएंगे तो ये रहा ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल है, तो ये हो गया ऑक्सीपिटल। एंड एक स्फिनॉइड और एक इथेमॉइड, वो अंदर की ओर होता है स्कल में, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जूम करके ले जाएंगे हम आपको इथेमॉइड और स्फिनॉइड दिखाने। तो ये रहा आई ऑर्बिटल के पास इथेमॉइड बोन, एकदम आई ऑर्बिट के अंदर, ये आई ऑर्बिट है, देख रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर आप इथेमॉइड बोन देखें, उसके जस्ट सामने आपको दिखेगा स्फिनॉइड बोन। ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड ये लेसर विंग्स है। तो स्फिनॉइड के 2 पार्ट, लेसर विंग्स एंड ग्रेटर विंग। ओके, तो ये स्फिनॉइड है। तो टोटल 8 बोन, जैसे कि क्रैनियम में हमने दिखाया। उसके बाद आते हैं फेस पे 14 बोन है, 14 बोन हम आपको गिनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नेजल बोन, दिस इज नेजल बोन, नाक के ऊपर पट्टी पे नेजल बोन। नेजल बोन के बाद आप आ जाइए, ये रहा जाइगोमैटिक, ठीक है, मैगजिला, ये मैगजिला है, मैगजिला के बाद आ जाइए जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक के बाद ये आता है टेम्पोरल, ये टेम्पोरल का जाइगोमैटिक प्रोसेस है। जाइगोमैटिक के बाद आप मैगजिला, मैंडिबल, ये रहा मैंडिबल, ठीक है, ये मैंडिबल है, जैसे कि ये मैंडिबल का मेंटल है, ठीक है, ये पूरा मैंडिबल पार्ट है। उसके बाद मैंडिबल के बाद हम आते हैं
फेस में नेजल इज माई, इधर ही हम आपको दिखाएंगे लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन आपको दिखाएंगे हम, लैक्राइमल एकदम आँख के पास होता है, ये रहा लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन भी ऑर्बिट के पास है, थायमॉइड के बगल में लैक्राइमल बोन है। उसके बाद अब आ जाइए मैंडिबल, आपने देखा ऑक्सीपिटल देखा, अब हम आपको दिखाते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस का ये बोन इस साइड है मार्किंग, ये रहा टेम्पोरल बोन का पेटस पार्ट है, ये मैस्टॉइड प्रोसेस है। मैस्टॉइड प्रोसेस के बाद बाकी जो बोन्स है फेस में वो अंदर हैं। ओके, इसके साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं ये सारे टूथ स्ट्रक्चर हैं, ये एल्वियोलर बोन है। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा था मैं हाइवाइट दिखाऊंगा, ये नीचे के साइड ये है हाइवाइट बोन। हाइवाइट बोन एकदम नीचे हवा में होता है, ये बोन ये ओनली बोन है जो नॉन आर्टिकुलेशन शो करता है, किसी से आर्टिकुलेशन नहीं करता, ये किसी दूसरे बोन से आर्टिकुलेशन नहीं करता, ये मसल से आर्टिकुलेशन करता है, इसलिए ये सिंगल बोन है जो नॉन आर्टिकुलेशन करता है। और ये मैंडिबल है, मैक्सिमम मूवमेंट शो करने वाला बोन है, तो ये मैंडिबल है। ओके, मैंडिबल जॉइंट बनाता है ये TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पर, मैंने अपना एक टॉपिक वीडियो बनाया है इस पर। उसके बाद आप बात अगर करेंगे तो यहाँ पे नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम इन नेजल स्पाइन। ओके, थायमॉइड का परपेंडिकुलर पार्ट है, वोमर है, वोमर आप देख रहे हैं एकदम बीचों बीच नोज के, ये वोमर है, फिर से दिखाता हूँ मैं वोमर, ये रहा वोमर। एंड ये आपका मैक्सिला का, बाकी हम आप अंदर से आपको दिखाते हैं, तो ये रहा पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन के बाद ये है ये पैलेटाइन सूच, ठीक है, ये इंटरवर्टिब्रल है, ये हाइवाइड लाइन है। तो दैट्स ऑल अबाउट 14 बोन्स। इसके बाद हम अगर आप मॉडल में आगे बात करेंगे तो हम आगे सूचर्स के बारे में आपको बता देंगे, यहीं पे कुंडल फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बता देंगे। जो हाइवाइड बोन है इसको टंग बोन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हम बताएं, तो आप 14 बोन गिन लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर से गिना देता हूँ। 14 बोन्स फेस में, पहला मैक्सिला है, मैक्सिला दो हैं, एक साइड दो साइड दोनों साइड मैक्सिला हैं, ठीक है, तो दो मैक्सिला है, ये पेयर्ड है, मैंडिबल सिंगल है, तो दो एक तीन, दो जाइगोमेटिक हैं दोनों तरफ, तीन दो पाँच, और पाँच के बाद आप पे चीक पे आएंगे तो जाइगोमेटिक आर्च पे, ठीक है, उसके बाद पाँच एक नेजल था, नेजल यहाँ पे है, नेजल बोन छः, नेजल बोन भी पेयर्ड है, छः सात, लैक्राइमल पेयर्ड है, आठ नौ, पैलेटाइन पेयर्ड है, नौ दस ग्यारह, उसके बाद है टर्बाइनल बोन्स हैं जो कि इन्फीरियर कॉन्चा में आते हैं कान के पास, ठीक है, उसके बाद बोमर है सिंगल, तो ये कुल मिला के 14 बोन्स आ जाएंगी। ओके, और स्कल में 28 बोन्स प्लस एक वोमर मिला के 29, हाइवाइड मिला के 29 बोन्स होती हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट फेस स्कल बोन। थोड़ा सा हम सूचर के बारे में बता देते हैं, ये सूचर है जो कि स्कल को डिवाइड कर रहा है, सूचर ये सेजाइटल सूचर है, ये उसके बाद सेजाइटल सूचर आता है, ये स्क्वैमस सूचर है, स्क्वैमस सूचर ये कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर डिवाइड करता है टू पार्ट, फ्रंट पेराइटल और टेम्पोरल को अलग करता है कोरोनल सूचर, और सेजाइटल सूचर दो पेराइटल को अलग करता है। उसके बाद मीटिंग पॉइंट जो है ये लैम्ब्डॉइड प्रोसेस, ये लैम्ब्डॉइड सूचर मीटिंग पॉइंट है, और यहाँ पे उसके बाद ये ऑक्सीपिटल के पास ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस, इंटरनल प्रोट्यूबरेंस। ओके, ये आपका प्रोट्यूबरेंस है, ये न्यूचियल लाइन है, हाईएस्ट न्यूचियल लाइन, तो ये स्कल था, स्कल के बारे में, जैसे ये स्क्वैमस सूचर है, स्क्वैमस सूचर के बाद ये है स्फिनोइड पेराइटल सूचर, इसको टेरियन भी बोलते हैं, यही एच शेप्ड टेरियन होता है,
this is the weakest point of the skull या weakest bone, ये जो सूचर होता है सबसे ज़्यादा dangerous area होता है, इसको dangerous area भी बोलते हैं, वीक है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये सूचर या accept होता है, टेरियन बोलते हैं इसको, और ये सूचर है स्पिनो फ्रंटो फ्रंटल और स्पिन को ज्वाइन करने वाला स्पिनो फ्रंटल सूचर। इसे जाइगोमेटिक प्रोसेस का टेम्पोरल बोन आता है, जाइगोमेटिक प्रोसेस बना रहा है ये, और ये जाइगोमेटिक बोन है जो कि टेम्पोरल प्रोसेस से कनेक्ट हो रहा है, और ये मैंडिबल है, मैंडिबल का नॉच है, नॉच के बाद ये मैंडिबल का आर्टिकुलर टूबरकल है जो कि मैंडिबल का ये अटैचमेंट है, कॉन्डाइलर प्रोसेस है जो कि अंदर स्कल से अटैच होता है। ओके, तो मैस्टॉइड प्रोसेस के बारे में आपने हमें बताया, ये मैस्टॉइड फोरामेन है, मैस्टॉइड फोरामेन से निकलती है नर्व्स, इसके हमने डिस्कस करेंगे आगे नर्व्स के बारे में। तो दैट्स ऑल अबाउट स्कल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे, आगे हम बात करेंगे और सारी चीज़ों की, और हम व्यू दिखाते हैं आपको कि इसका इंटीरियर व्यू, हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये स्कल का इंटीरियर व्यू है, और ये रहा पोस्टीरियर व्यू, ये लैटरल व्यू, ये मीडियल व्यू, ये सुपीरियर व्यू, और ये इन्फीरियर व्यू। तो ये सब ऑल व्यूज़ हैं। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट वीडियो, बाय।